कौन है घर में घूम रहा है? वो कैसा है देखने में? तेरे ताऊ का लड़का है जो तू उसका पता बता रहा है भाई? तेरे ताऊ का लड़का है तू उसका पता बता रहा है एक और का है रे? तेरे वो ताऊ का लड़का है क्या तू उसका पता बता रहा है मुझे? जोड़े से चलते हैं। जोड़े से कहाँ चलते हो तुम? साथ साथ चलते हैं दोनों। जोड़े से तो जैसे कुतिया के साथ उसका छोटा बच्चा चलता है ऐसे चलते हो तुम, एक छोटा एक बड़ा है भाई। जयमाल अपने होश में आ गई क्या? है तो अभी क्या कर रही थी तुम? मुझे क्या पता, आपको बताऊंगी मैंने क्या किया। क्या किया था तूने? ऐसी ऐसी करते करते कबूस में आई, पता ही नहीं चला मेरे लिए। क्या बात करी है तू तो, इसका मतलब जान पूछ के कर रही थी? तुझे ये एक्टिंग किसने सिखाई? और फिर एक बार सरदार खुश हुआ। अच्छा तुझे एक बात का पता चला, मैंने तेरे प्रेत को एक थप्पड़ मार दिया, गाल पे चढ़ दिया। मुझे पता चल रहा है अब, जब तो पता नहीं चल रहा था। नहीं, इतनी जोर से तो मारा भी नहीं जो अब सूजन आएगी। जोर से मारा था? मुझे नहीं पता जोर से मारा धीरे से मारा क्या, अब पता चल रहा है, जब तो पता नहीं चल रहा था ना। नहीं क्या मुंह घुमाने में पता चल रहा कैसे? ये यहाँ से पूरा ही पता चल रहा है, ये ऐसी लग रहा है जैसे मतलब ज्यादा तेज से कोई चीज मार दे तो फूल जाता है, जैसे फूल जाता है। मैंने इतनी तेज नहीं मारा एक्चुअली, मैं वो प्रेत को लगा है तो उसके दिलो दिमाग पे छप गया। तो वैसे भी गुस्सा था ये। नरेंद्र बाबू, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाया जाए। मनु भैया पहले ऐसे इंसान है इस पूरे पृथ्वी लोक पर जिन्होंने प्रेत को थप्पड़ मारा। तालियां बजा दो। भैया वीडियो बना ली, तभी कह रहे हो। वीडियो बना ली मतलब वीडियो में ही तो बता रही है तू ये सारी बातें। मुझे क्या बताती, मैं समझी मोबाइल ऐसे ही पकड़ रखा है। मोबाइल ऐसे ही पकड़ रखा है, वीडियो थोड़ी बन रही है, दिखाने के लिए पकड़ रखा है। नहीं ये तू अभी क्या कर रही थी? मुझे क्या पता, आपको ही पता होगी क्या कर रही थी। अब क्यों नहीं कर पा रही है? सिर्फ अंदर से थोड़ा थोड़ा रोना आ रहा है बस। बस दर्द कहाँ है? देखो मैं चल के पहले। हाँ चल के देखो तभी तो बता पाऊंगी मैं। हल्के फुल्के इनमें पता चल रहे हैं, इनमें बाकी सारे गायब हो गए। अब सवेरे से दर्द दर्द कर रही थी, अब तो नहीं करेगी? अब दूसरा कोई आ जाएगा तो फिर चिल्लानी पड़ेगा। वैसे नहीं, दूसरा कोई नहीं है, खत्म और खत्म, किस्सा खत्म। तालियां बजा दो। नहीं तो तू तब से ठीक ही होती आ रही है, जो भी प्रेत आज तक निकला है तेरे अंदर परिवर्तन आया है। बोल हाँ के ना। फिर और जब पूर्ण निकल जाएगा फिर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बोल हाँ के ना। फिर तो क्या आज वैसे ही जी पा रही है जैसे पहले जीती थी? तो जीवन में क्या बदलाव आया बताना जरा। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। जीवन में बदलाव क्या आया? बहुत कुछ आ गया बदलाव, लड़का मेरा सही हो गया, पहले से काफी सही चल रहा हुआ। शरीर में बदलाव हो गया भाई, वो दूसरा घरवाला भी आ गया, ताऊ का लड़का आ गया, ताऊ का लड़का आ गया, नहीं वो कुतिया वाला पिल्ला साथ आ गया। तू घर वाला है? तेरा नाम क्या है? नेक्सु। तू कहाँ से आया भाई? तू क्या लगता था इसका तो इसमें आ गया? चाचा। अच्छा चाचा ताऊ मर के भी आ गया? जीते जी कम दुखी कर लिया तेरा भाई। नेक्सु तू चाचा तो है इसका, नेक तो दे जा। चल 500 रुपए लिखा लड़की को, तुम देख देख के जा, चाचा आया देख देख के जाएगा भाई। भूत चाचा आया, भूत चाचा आया। ए चाचा गया, नेक्सु गया, ए जयमाल आ गई।
जमाला ये क्या किया था, तू इतनी देर कैसे रो पाई, ये ऐसे कैसे चलता है? मतलब अगर फिल्म के कलाकारों को ऐसे रोल अदा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग रोल अदा करने के लिए दे दिया जाए तो क्या सरदार जी कर पाएंगे? नहीं नहीं, वे फिल्म के कलाकार कर पाते हैं ऐसा? और सरदार खुश हुआ, तालियां बजा दो। क्या हो रहा जयमाला, दर्द है कहीं? दर्द नहीं भैया, घबराहट किसको हो रही है, तुझे कि नेक्सू को? अच्छा खड़ी होके देख, नेक्सू का तत्व अच्छा हुआ है। आप कौन है भाई? आप कौन है भाई? आप हैं कौन? तू भारी पड़ेगा भाई, मैं नहीं पूछ रहा। तो वहां दर्द हो रहा है जहां इकट्ठा हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा, गांठ जैसी बन रही है। रोटी खाई तूने? क्यों भूखी नहीं लग रही? बढ़िया है, तुम्हारी तो रोटी बच रही है। हाँ वैसे भी एक ही साल हुआ है शादी को, तो ये तो एक बता रही थी सवेरे। चलो 2 साल हुए शादी को, अभी भी तुम्हारे घर की तो ये नई दुल्हन है, इसके लिए तो तुम्हें सब्जी बनानी ही पड़ती है, तुम चाहे सब्जी ना बनाते हो। नहीं नहीं एकता जी, ना तो ये कह देंगी अब भाई उनके घर में तो सब्जी भी ना मिलती, अपने पापा को बताएगी, है ना? रोटी खाए क्या टाइम हो गए? अब तो बाहर ले गया था, इसने कुछ नहीं खाया तब भी। Thank you.
अच्छा तू कोई रोटी पोने वाला था ढाबे पे, वो मर गया है तभी रोटी वाली स्टाइल दिखा रहा है हमें। ये देख ले जयमाला तेरे से कैसी कैसी बातें करती है, और यहाँ देख ले रोटी बना रही है अपने आप पे, मैं नहीं आ पा रही है। जयमाला तू कुटाई करने वाला है, वही है तू जो चिमटा बजा रहा था, पीछे हट जाता है दूसरे को भेज देता है, कभी नेक्सो बन जाता है कभी चेक्सो बन जाता है। अच्छा कसाई है तू, ओहो कसाई है ये, क्या क्या काटा था तूने, भैंसा काटा था, भैंसा मुर्गा बकरा कुत्ता भी मारा है कभी? अच्छा मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में बोलिए सुनिदेव, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में हाँ जयमाला क्या होता है, क्या हो रहा है तुझे, दर्द है कहीं? दाढ़ में चीज मार रही है, दवाई क्यों नहीं, दाढ़ की चीज के झाड़ी पड़वा ले, खाली है पूरी, खाली है ना हाँ। तो वो तो पड़वानी पड़ेगी फिर, खाली तो कश्या जाती है ना, कई कई पदार्थ हम ऐसे खाते हैं उससे कश्या जाती है, दर्द होता है। ये झटके क्यों लग रहे हैं? बेटा कहाँ है तेरा? जयमाला बेटा कहाँ है? पता नहीं, सुन पा रही है मुझे, बोल नहीं पा रही, कहाँ अटक गया, गलत चीज महसूस कहाँ हो रही है? ए कहाँ जा रही है, पानी पीने जा रही है? यहाँ बैठ जा, चल यहाँ बैठ, जब मैं कहूँ जब जी। जब उस दिन चीजें आई थी नंदू ने बता दिया था ना, अभी घर में कई चीजें हैं, ज्यादा तो है नहीं पर कई हैं, बताया था नंदू ने उस दिन इसको, तब ये समझ में तो आया था इसके काम आता है, पर इनके समझ में। चल जय शनिदेव, बोल बोलिए शनिदेव महाराज की जय। समझ में आ गया, इसको उन्माद बोलते हैं, प्रेतोन्माद, इसको बोलते हैं पितृन्माद, अगर पितृ के कारण है तो, अगर किसी प्रेत के कारण है तो। प्रेत और पितर में अंतर एक ही है कि प्रेत किसी और के घर का होता है, पितर अपने ही घर का होता है, होते प्रेत योनि में ही है, और जो पितर देवता होता है वो बिल्कुल स्वच्छ होता है, वो ही पितर कहलाता है, और वो पितर लोक में होता है, यहाँ नहीं होता,
पृथ्वी पे उसका कोई संबंध नहीं है। मंजिले चाचा खत्म हो गए थे, मतलब प्रॉपर्टी वॉपर्टी करा रही चाचा ने छोटे वाले ने, उसके बाद पता ना उनको सुई लगवा दी क्या करवा दिया, वो लिखवाने के बाद में उसके बाद उठे नहीं, उनकी पूरी देह में दर्द होता था, बिस्तर पे ही खत्म हो गए। नेमचंद नेक्सु नाम था, पैरों में झंझनाट हो रही है, झंझनाट हो रही है। हाँ। और ये मतलब ये दर्द हो रहा है। पूरा सर मेरा बंधा बंधा लगता है, जब दर्द होता है तो पूरे सर में दर्द होता है बहुत बुरी तरीके से। नंदू ने क्या बताया था याद है? नंदू ने 16 चीजें बताई थी और कुछ नहीं बताया। मुख्य तीन थी, तीन के पीछे चीजें खड़ी थी, वो सारी चली जाएंगी एक साथ ही। नंदू ने बताया था उस दिन आपने सब चीज मंगाई थी ना, तो 6 चीजें आई थी, उसमें 2 लेडीज थी और बच्चे थे, एक जेंट्स था, तो उसमें से एक लेडीज तो भाग गई थी वापिस और एक जेंट्स भागा था, मेरे को दिख रही थी इसलिए। अच्छा, तुझे आती भी दिखी थी? हाँ। और जाती भी दिखी भाई, 2 भाग गए उल्टे। हाँ। 2 का नंबर कट गया, वो मेरे को भगा के लेके गई थी यहाँ से। अच्छा, वो जब तू यहाँ खड़ी रहती थी? हाँ। और आज भी गुस्से में यहाँ से गई थी, अमरूद नहीं दिया था तुमने तो नहीं आई, वहाँ से वहाँ गई, वहाँ से चिल्ला अमरूद अमरूद चिल्ला रही अमरूद, उसमें जाके कहके पंडाल में जिसमें झोपड़ी में सो गई थी मैं, जाके गुस्सा हो के फिर आई थी, तो मूड हल्का गया था, उठ के आई तो सही लगा, फिर वैसे ही हाल हो गया। जय शनिदेव बोलो। जय शनिदेव।